सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कल विकार सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलं सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुशुभछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्थिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्थिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वस्त्रायिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते। रोगानशेषानपः स्थितश्च रुष्टानुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानामपि पुनराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाभागा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरभाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साधि भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनो बुद्धिरहङ्कारा
चित्तरूपाचिदाचिदि सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्दाभावनि भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलाभति पटाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वन दुर्गा च मातङ्ग मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्र कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराहि लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्बशुम्बहनने महिषासुरमर्दिनि मधुकैटवहन्ते च चण्डमुण्डविनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वास्त्रधारिणि तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रधारिणि कुमारी चैककन्या च केशरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महाधरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विश्वमाया जलाधरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् प्रपठे नित्यम् दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु धनम् धान्यम् सुखम् जायामयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्तलवेन् मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे तर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यशिरोवाप्नुयात् मोरोचनालत्तकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्यगन्धम् विधिना विधिज्ञम् भवे सदा धार्यते पुरारिः कौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सदृशाम् गदे विलिख्य प्रभटे स्तोत्रम् स भवे संवदार्पणम् ओम। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासो प्रमातरो बीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः।
चंडिकाय मारकंड उवाच ओम जगद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निलाम यन्नकस्य चिदाख्यागं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासु कवचं पुण्यं दशणुष्व महामुने प्रथमं जैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदाति च नव दुर्गाकीर्तिदा उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता नाथेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नावरं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या श्रीमानोऽनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षते तान् संशयः ते तसंसाधु चामुण्डा वाराही महिषासुरा हन्दीगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी श्रीवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येका मातरा सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रङ्गुलां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च पुङ्गायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानिर्थं देवानां च हिताय वै नमस्त्यस्तु महारद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि राहिमां देवि दुष्पेश शत्रूणामयभर्धिनि राज्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रदीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यामिगवाहिनी उदीच्यां पादुकौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ता जैष्णवी तथा एवं दक्षिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना ज्या मे चाकृता पादुया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चावराजिता शिखामुद्योधनी रक्षे तुमामुद्धिरवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जमघण्टा जनाधिके कङ्कणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनि कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चक्षिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च कुम्रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंश धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिका नलकुभरी स्कन्दयो खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी
हत्या दंडने रक्ष दंबिका चांगुलेषु च नकांचुलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरी सनो रक्षण महादेवी मना शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी गाभोज कामनी रक्ष गुह्य गुह्येश्वरी तथा भूतना कामिका मेठन गुदे महिष वाहिनी कट्या भगवती रक्ष जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्व काम प्रदायिनी दुर्भया नारसिंही च पादपृष्ठ सुतेजसी पादांगुलेषु रक्ष पादादस्तलभासिनी नगादर्शकराले च केशांशेव धृकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरि त्वजं भागेश्वरी तदा रक्तमज्जावसावासान्यस्ति वेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणे सदा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरी तथा अहंकार मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापान कथा व्यानं मुदानं च समानकं वज्रहस्ताज मे रक्ष प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्य भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनन्दुजस्थानां वर्जितं कवचेनतु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति भावनाशिनि पदमेकं न गच्छेत् जरिच्छे शुभमात्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सार्वकामिकः जञ्जन् चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर अमदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्गामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनाभृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामभिदुर्लभम् या पडे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यश्व पराजितः जीवे घर्षशतं साग्रम् अपमृत्योऽपिवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वदूता विस्वर्गादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं च विजद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराचेचरा चैव जलचाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्ष गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोनिर्भवे राज्ञस्ते वृद्धिकरं परम् यजुषा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं जन्मिं कृत्वा तु कवचम्बुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवरदाननं ता
वर्तिष्ठति वेदिन्यां सन्तति पुत्र पात्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायामृतादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य कृष्णो ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाख्यमा शिवाधाते स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताभिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटव विद्रावि विराति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुमते नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि रक्तबीजापदे देवि चण्डमुण्डा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमार्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि वन्दिताङ्घ्रिजुडे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि अजिन्द्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि न देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशा जहि सुभद्रा भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जयत्वा मर्चयन्ति भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्णां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरक्तनिकृष्टचर्ण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यगर्भग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे सहस्रे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुदे देवे शशद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुदानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपदि सद्भावा पूजिते परमेश्वरि
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्भ विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी भक्तगणोत्तम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणी तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या परमा करोति संवदा अथ कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बातीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणाम विकीलकम् स्वभिके मम आप्नोति सर्वम् याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाडनादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन सुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्तो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काभिमामरः नित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवाविदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायासु तच्च गुप्तम् चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तायथावन्नियन्त्रणाम् स्वापिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायामा चतुर्दश्यामष्टम्यामा समाहितः जगाधिपतिजिह्नादीनान्यदेशा प्रसिद्धति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिशीलाम् विदायेन नित्यम् जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्तस्य भयम् गाभिः जायते नावमृत्यो वशम् याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजगत्किञ्चिदृश्यते ललनायने सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणेस्तु जप्यमाणेऽस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामिः तदा प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्षः श्रूयते शाणकिञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हय गिरि नंदिनि नंदितने दिनि विश्व विनादिनि नंदरुते श्री वारि विंदति राधे निवासिनि विष्णु
जय जय
आया हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिन शैलसुते कमल कलामल कामल कांत कला कलिता बल बाल लते सकल विलास कलांग लया क्रम खैल तरव कर हंस पुरे हर कुल संतुल कुमल यमंडल पार मिलत कुलाल जुले जय जय हे महिषासुर रंजित शैलन कुंड गुण भूत महाश परी गण भगुन अमृत के चले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक भरदिनी शैल सुते कथित टकित सुकुल विचित्र मयो गतिरक्षित चंदन से रणद सुरासुर मोर बने भंजुल बंधक चंदन से नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी निरंतेह निशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधं शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे
समवापनोति सदा ब्रह्मासुरा सागराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्पां यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद्भिस्मते भ्रान्त्या जन्योऽनधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादि गुह्य गोप्रीतम् ध्यानास्मत्कृतम् जपम् सिद्धिर् भवतु मे देवि सत्तारासुरेश्वरि कन्या ज्योता वाली माता जय जयकार शेरावाली जीदा भूल संचे धनहार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का अक्षय गणनाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूप ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जीदा भूल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वे श्री पाहि विश्वम त्वमी श्री देवी चराचर।
देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को अपने प्रति भी रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो वो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो में विशेषी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो आधार भूता जगत स्वमेका मही स्वरूपेण यथास्थितासी अवाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण लंघ वीर्य तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है तुम्हें जल रूप में स्थित होकर समूह जल को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेतत तुम वे प्रसन्ना मुक्ति हेतु तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्या समस्ता सकला जगत्सु त्वये क्या पूरी तमं भजेत काते स्तुति तब्य परापरोक्ति। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जगत में जितनी स्त्री हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा। यह केवल माता जी के नाम की ही परम महिमा है कि जब केवल हम ही भक्ति नहीं सब देवता भी आप घोर संकट पर जाते हैं और उस समय जब कोई विशेष देवता उनकी सहायता नहीं कर पाता तो अंत में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और तब माता रानी जी उनकी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उन सभी के कष्टों को सार के दूर कर देती हैं। आप जानते हैं कि माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने जो शरीर को दग्ध कर दिया उस समय शंकर विचलित हो गए और सती के शव को लेकर के तांडव करने लगे जिससे तीनों लोकों में त्राही त्राही बच गई। फिर उन्होंने सती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय समाधि अवस्था में बिताया। सती के अभाव में सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। ग्रहों की दशा विपरीत हो गई सभी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। तभी तारकासुर नाम का एक महादैत्य जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी क्योंकि वे जानता था कि शंकर जी अर्धांगी सती ने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा दग्ध कर दिया है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है और उनके और उस पुत्र नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। और उसने यही वरदान मांग लिया कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो और ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दिया। इस प्रकार का जो वरदान प्राप्त करके वह देवताओं को सताने लगा। उसने स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया। सभी देवगण जो दुखी हुए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार तारकासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है। इसलिए कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे हमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो क्योंकि ये जानते थे कि शंकर जी की अधांगी नहीं है उनको उनका और उस पुत्र नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी और वो सदैव जो दैत्य का स्वर्ग पर जो शासन रहेगा। उसे भगवान विष्णु देवताओं को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि देवताओं मणिद्वीप में सदैव जागने वाली भुवनेश्वरी देवी हम भक्तों का दुख दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। निश्चय रूप से हमसे कोई गलत कार्य हुआ है जिससे उनकी हम पर उपेक्षा है क्योंकि पुत्र से पग पग पर अपराध होता रहता है और माता की सेवा क्षमा करने वाला दूसरा कौन है। इसलिए हमको उन्हीं देवी की अनन्य शरण ग्रहण करनी चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी को साथ लेकर के देवताओं को साथ लेकर के हिमालय पर गए और वहां पर उन्होंने देवी यज्ञ करना प्रारंभ किया। देवी का पुरुष चरण करना प्रारंभ किया जिसमें कुछ देवता समाधि अवस्था में बैठ करके देवी के स्वरूप का ध्यान करने लगे कुछ देवी सूक्त का जाप करने लगे और इस प्रकार कई वर्षों के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को शुक्रवार को जो श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक तेज पुंड सबके सामने प्रकट हुआ जिस जो प्रकाश था वो हजारों सूर्य के समान था हजारों चंद्रमाओं की जिसमें शीतलता थी वो ना वे स्त्री रूप में था ना पुरुष रूप में। उसको देख करके देवताओं की आंखें बंद हो गई और अब धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा कि हंस पर आरूढ़ चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए महारानी जी विराजमान है।
जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं उनके शरीर की आवा दाढ़ पुष्प के समान है, केसर की विधि धारण की हुई है और मुख की आवा अष्टमी के चंद्रमा के समान। उस स्वरूप को देख करके देवताओं के कंठ रुंध गए। उस समय उन्होंने धीरे धीरे अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता की स्तुति प्रारंभ की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन एवं सुधार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हो और हमें जो पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। उस समय माता जी ने मधुर वाणी में जो कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है? आपका दुख दूर करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ, मुझे बताइए। सभी देवता कह रहे हैं कि महारानी, तीनों लोकों में आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। आप जानती हैं कि इस समय तारकासुर नाम का महादैत्य, जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ये वरदान प्राप्त कर लिया है कि शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। आप ये जानती हैं कि उनकी अर्धांगी सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया है, इसलिए उनका पुत्र कैसे होगा? हमारी ये विनती है कि आप प्रकट हों और हमारे जो इस कष्ट को दूर करें। और दूसरी हमारी आपसे ये विनती है कि आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। माता ने कहा कि देवताओं, गौरी नाम की जो मेरी शक्ति है वो हिमालय के घर में उत्पन्न होगी, क्योंकि हिमालय बड़े मनोयोग से मेरी आराधना कर रहा है, इसलिए उसके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होना मैंने स्वीकार किया है। इसलिए वो गौरी शक्ति उसके घर प्रकट होगी। आप ऐसा यत्न करना कि वो गौरी शक्ति शंकर जी को प्राप्त हो, वही आपका उद्धार करेगी। मेरे चरणों में आपकी अविचल भक्ति सदैव बनी रहेगी। वहां पर हिमालय भी अपने पति ये शब्द सुन रहे थे, तब उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से रोंदे हुए कंठ से माता जी कहा कि माता रानी, कहां मैं यात्रा स्थान हूं, मैं हिमाचल, और कहां सत्यानंद स्वरूपनी आप, क्योंकि हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा समाधियों द्वारा भी आपको पुत्री रूप में पाना कठिन है। जिनके उधर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, वही जब मेरे घर में पुत्री रूप में उत्पन्न होगी तो मेरे समान धन्य कौन होगा? मेरे पूर्वज धन्य हो जाएंगे। माँ, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करो। तब समयानुसार वो गौरी शक्ति हिमालय के घर उत्पन्न हुई, वो शंकर जी को प्राप्त हुई, उनके जहाँ कार्तिकेय महाराज जी हुए और उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को जो तारकासुर का वध किया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की और उनका अभिषेक भी किया गया। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम ही भक्ति नहीं, सब देवता भी अब घोर संकट पड़ जाते हैं, तो वे भी इन्हीं अनंत कोटि भगवान की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो भक्तों क्यों नहीं करने चाहिए? अवश्य करने चाहिए, विशेष करके इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विराय को शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति का प्रताप होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि सत्ययुग में भगवान विष्णु, त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी की भक्तों ने आराधना की, इसी प्रकार जो भक्तियां कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति की आराधना करेंगे उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी, उनको सद्या फल की प्राप्ति होगी। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में संयुक्त रूप में संपूर्ण विश्वभर में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, वो प्राकृतिक तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। जिस प्रकार वेदों का सार गायत्री मंत्र है, इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का सार ये निवारण मंत्र है, जिसमें ऐं के उच्चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और क्लीं के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी अनुवाद मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय बिच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय बिच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय बिच्छे। ओम ऐं ह्रीं
विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानों उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इनमें से एक की भी न्यूनता होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है, तो हम विद्या के बिना ये जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्य ने शोभते त्वया बिना लक्ष्मी पंडिताई भी लक्ष्मी शोभाने देती, और शक्ति बिना दोनों वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्तियां स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता पति लाए हैं पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है। Oh, my God.
सच्ची भक्ति है मैया के दरबार की, सच्ची भक्ति है मैया के दरबार की, ये तो जग जननी है सारे संसार की, ये तो जग जननी है सारे संसार की, ओ ये तो जग जननी है सारे संसार की, ओ ये तो जग जननी है सारे संसार की, इसके दर का भिखारी बनूं जब भी मैं, इसके दर का भिखारी बनूं जब मैं, इसके दर का भिखारी बनूं जब भी मैं, इसके दर का भिखारी बनूं जब भी मैं, इससे बढ़कर बताओ क्या और बात है, इससे बढ़कर बताओ क्या और बात है, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, और फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, माँ के द्वारे पे ओ माँ के द्वारे पे, माँ के द्वारे पे डाला है जब से तेरा, माँ के द्वारे पे डाला है जब से तेरा, फिर ना पूछो के कैसी मुलाकात है, फिर ना पूछो के कैसी मुलाकात है, मैं तो मैया की महिमा को गाऊं सदा, मैं तो मैया की महिमा को गाऊं सदा, मैं तो मैया की महिमा को गाऊं सदा, मैया की महिमा को गाऊं सदा, माँ के चरणों में शीश झुकाऊं सदा, ओ माँ के चरणों में शीश झुकाऊं सदा, ओ माँ के चरणों में शीश झुकाऊं सदा, ओ माँ के चरणों में शीश झुकाऊं सदा, हाथ सर पे मेरे मेरी महिमा रहे, हाथ मेरी माँ का रहे, हाथ सर पे मेरे मेरी माँ का रहे, बढ़कर बताओ क्या और खास है, इसे बढ़कर बताओ क्या और खास है, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, ओ माँ के द्वारे पे, ओ माँ के द्वारे पे, द्वारे पे डाला है जब से डेरा, माँ के द्वारे पे डाला है जब से डेरा, फिर ना पूछो के कैसी मुलाकात है, फिर ना पूछो के कैसी मुलाकात है, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, शेरों वाली के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो के उस वक्त फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, फिर ना पूछो के उस वक्त क्या बात है, जयकारा शेरों वाली जी का, दरबार की जय, एक घंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश, जय कर मेरी शेरावाली मैया जी रा, भोले सच्ची दरबार की जय, जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा, जग जननी मेरी माँ करो मेहरा, जग जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा, जग जननी मेरी माँ
करो मेहरा दीछा
इतनी शक्ति हमें दे नवाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे नवाता मन का विश्वास कमजोर हम अंधेरे में है रोश
किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, फूल खुशियों के बांटे सभी को, जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल को बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, अपनी करुणा का जल को बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले ने कर से पे हम से कमजोर होना, जयकारा शेरा वाली दा घोर सच्चे दरबार की जय, घोर भई दिन चढ़ आया निमा, घोर भई दिन चढ़ आया निमा, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां, पवन विच आरती जय मां, आहे दीवानी तेरी आरती निमां, आहे दीवानी तेरी आरती निमां, आहे दीपावा विच ज्योत मंदिर विच आरती जय मां, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा तो मंदिर विच आरती जय मां, पवन विच आरती जय मां, सुआ चोला मैया अंग विराजे, केसर तिलक लगायो मंदिर विच आरती जय मां, पवन विच आरती जय मां, पान सुपारी मैया बजा डरेला, पान सुपारी मैया लड़ी भेंट चढ़ायो मंदिर विच आरती जय मां, पवन विच आरती जय मां, इस सोहागन दीवा काले मेरी अंबे, कौन सोहागन दीवा काले मेरी अंबे, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय,
दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभां तद्रत्नमकर कुण्डलहार भूषां दिव्याजुधोर्जित सुनील सहस्र हस्तां रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशां। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आज विक्रमादि शुभ संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शेष ऋतु माघ मास की आज 7 प्रविष्ट हैं। पौष शुक्ल पक्षी आज चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी आज मध्याह्न के 2:19 तक है। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि है, अतः आज ही रात वाली पूर्णिमा अर्थात सत्यनारायण व्रत है। रविवार तदनुसार 20 जनवरी 2019 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आपसे सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका विशेष दया चतुर्दशी तथा सत्यनारायण व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन उपवास प्राण रहते हुए जब पूजा पाठ दान तथा रात्रि भर जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णव दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर्भव पाद पूर्णरता सर्वोपकारी भव। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव शीर्वर्चस आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं चत्समत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घ आयु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय करा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम को निशि दिन ध्यावत मैया जी को निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी पार्वत दूर विराजत को मृग मद को मैया को मृग मो जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र मदन
सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारि ओम जय करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। रल मिल बोलो जय माता दी। आहे वेला जय माता दी। प्रातः वेला जय माता दी। आरती वेला जय माता दी। आप बुलंदी जय माता दी।
कष्ट मिटांदी जय माता दी तेरा करदी जय माता दी झोलियां भरदी जय माता दी हरे खजाने जय माता दी सोला याने जय माता दी सोला भरदी जय माता दी वीर जंदी जय माता दी लाल जंदी जय माता दी गाने सुनिया जय माता दी जरा उठी बोलो जय माता दी हाथ भी बोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोता वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी चोलियां वाली जय माता दी चुनिया वाली जय माता दी चूड़िया वाली जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी पंद्रह वाली जय माता दी झंडिया वाली जय माता दी घंटिया वाली जय माता दी द्वारा वाली जय माता दी भवना वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ वाली जय माता दी चंदल्याणी जय माता दी बाबा रानी जय माता दी कुटी रानी जय माता दी जय माता दी जयत देवी जय माता दी महाकाली जय माता दी छप्पर वाली जय माता दी शक्ति देवी जय माता दी दक्षिण नैया जय माता दी घोड़ सवारी जय माता दी हरे खजाने जय माता दी सोला याने जय माता दी जय माता दी हंस सवारी जय माता दी विद्या देवी जय माता दी ज्ञान देवी जय माता दी बुद्धि देवी जय माता दी शक्ति देवी जय माता दी जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमम सुखम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही यशो देही दिशो जही सर्वमंगल मंगले सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वावाधा प्रशमनम सर्वावाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्चे ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडारे विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्ति ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। रत्मेन्द्र जी को वंदना दीजिए आदि
सिद्धिये सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया पैर जो सतगड़ी जो चरना जान जय हरगं चक्रवर्तीशुकापवर्जं शोरं वसुन्दिक्षिरासङ्गं सन्दलिं करेष्णैना सर्वाङ्गभुषाविदां नीलाशमद्भिमात्रपाददृष्टां देवे महाकालिकां जामस्तो सहृदे हरो कमलजो हन्तो मरुकेतवम् अक्षरासर्पशङ्करेषु गुलशा परमन्दनुष्कुण्डिकां धन्यां शक्तिमजन्मधर्मजलजं घण्टासुरावाजनं चोरं पाददर्शनेषु गदते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे देवमर्दनीं लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहरानि शङ्खमुसुले चक्रं गणुसायकम् अक्षादेतर्मेकनान्तबिलचा शीतांशविल्याप्रभां भोरी देवकमद्भवाङ्कजगता आधारभूतामः पूर्वामक्षसरस्वती मनुहरि शुम्भादिदित्यायिनी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव वन्दितुमेव त्वमेव विद्या जयनं त्वमेव त्वमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमनागं सुरेशं विश्वाधारं त्वमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कौलनयनं योगविद्यानुभङ्गं वन्दे विष्णोभवनं सर्वलोकैकनाथं अस्तुकं केशवं रामदारायणं कृष्णदाभोदरं भजदेवम्
श्रीधरं पादवं गोपिकावल्लभं भगवती नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मंगले द्वारे गोविंद गोपाल मथन किशोरे ध्यानं भजेहि शरणं भजेहि विद्यापजेहि भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता भाली माता तेरी सदा चंद्रभुवना रानी माता तेरी सदा चंद्रदा बला चंद वाली माता तेरी सदा लारे संसार शांति देन वाली माता तेरी सदा बुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लोम करा भेद आगो तेरी सदा बुला सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय। जनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा श्री वाली दास। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण भूत्वा नमस्ते नमस्ते नमस्ते।